नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों। तो एक बार फिर वो दिन आ गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है, जबकि हम आप साथ चलते हैं कुछ खाने। तो चलिए हमारे और लता जी के साथ चलते हैं एक स्वाद भरे सफ़र पर उछलते हुए। जी हाँ, जिस तरह आज हमारा दिल खुशी से उछल रहा है, उसी तरह हमारी गाड़ी भी उछल रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुंबई शहर में स्पीड ब्रेकर्स की कोई कमी नहीं है। चलिए, तो हमारा सफ़र शुरू हुआ है, लेकिन इस सफ़र पर जाते जाते हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, आप जब रोज़ घर पर खाना खाते हैं, वही खाना जो हमारे घरों में बनता रहता है, वही दाल, वही सब्ज़ी, वही चावल, वही रोटी, तो कभी कभी आपका ऐसा मन नहीं करता कि कुछ मुँह का स्वाद बदला जाए, कुछ अलग खाया जाए? क्या आप अपने घर वालों से कहते नहीं कि चलिए ना आज कुछ अलग खाते हैं, जैसे कि चाट हो गई, या बर्गर हो गया, या पिज़्ज़ा हो गया, या फिर कोई इंटरनेशनल खाना, विदेशी खाना, जैसे कि चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, थाई, जापनीज़, मतलब ऐसा कुछ जिससे मुंह का स्वाद बदल जाए? जी हाँ, हम आपका जवाब अच्छी तरह जानते हैं। आज हमारा और लता जी का भी कुछ ऐसा ही मन किया, तो हमने कुछ डिस्कशन की, कुछ नोकझोंक हुई, लेकिन इस नोकझोंक के बाद हम एक आम सहमति पर पहुँचे कि आज हम भी कुछ अलग खाएंगे, लेकिन चाइनीज़ नहीं, जापनीज़ नहीं, इटालियन नहीं, हम खाएंगे टिबेटियन खाना। जी हाँ, चाइनीज़ नहीं, लेकिन चाइना का पड़ोसी टिबेट। टिबेट का खाना भी कुछ चाइनीज़ जैसा होता है, लेकिन फ्लेवर्स कुछ अलग ही होते हैं। और जाते जाते भूख बढ़ाने के लिए आ गई हमारे इलाके की खाऊ गली, जिस गली में वड़ा पाव से लेकर तंदूरी चिकन तक, तंदूरी चिकन से लेकर चिली चिकन तक, आपको जो चाहे वो सब मिल जाएगा। बर्गर खाइए, पिज़्ज़ा खाइए, कुछ भी। इसलिए हम इस गली में आते नहीं हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। लेकिन इस गली से गुजरकर भूख ज़रूर बढ़ गई है। अब हमारी मंजिल की ओर चलते हैं। कहाँ हैं? जी हाँ, ये देखिए, आ गई हमारी मंजिल, सेरेनिया द टिबेटियन किचन, हमारे घर के थोड़ा करीब है। भूख बहुत बढ़ गई है, आइए हमारे साथ अंदर चलते हैं दरवाज़ा खोल के। तो ये देखिए, बड़ा छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट है, सुंदर सा डेकोर है। ये हमारे प्यारे अंकल 93 इयर्स ओल्ड हैं, लेकिन बड़े प्यार से हम सबको खाना खिलाते हैं। जाते ही आ गया हमारी टेबल पर यहाँ का मेन्यू कार्ड, खूब सारी वैरायटीज, खूब सारी डिशेस, चाइनीज़ भी, टिबेटियन भी, सब कुछ। लेकिन इस मेन्यू की एक बहुत अच्छी बात हमें जो लगी वो थी ये कि टिबेटियन खानों के नाम है, लेकिन साथ में ब्रैकेट्स में इस खाने की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये क्या डिश है। यहाँ देखिए, पाक्शा यानी कि पोक, न्याशा यानी कि सी फूड, और वेजिटेरियन डेलिकेसीज भी बहुत सारी हैं। जितनी ही नॉन वेज है, उतनी ही वेजिटेरियन भी। इसलिए हमारे वेजिटेरियन दोस्त बिल्कुल दुखी ना हो, यहाँ जाएं और वेजिटेरियन टिबेटियन खाने का मज़ा ज़रूर लें। चाइनीज़ भी है, लेकिन हमने यहाँ सोचा आज हम सिर्फ टिबेटियन खाने का ही मज़ा लेंगे। तो चलिए, कहाँ से शुरू करें? टिबेटियन खाना बिना थुक्पा के तो शुरू किया नहीं जा सकता। इस छोटी सी प्यारी सी जगह पर हमने पहले ऑर्डर किया थुक्पा यानी कि टिबेटियन सूप, और ये लीजिए दिलासा आ गया, यानी कि टिबेटियन सॉसेस, और साथ ही साथ थुक्पा भी। तो हमने मंगाया है चिकन थुक्पा और लता जी ने वेजिटेरियन थुक्पा। देखिए, इसमें नूडल्स भी हैं, सब्जियां भी हैं, चिकन भी है, और जो फ्लेवर्स हैं बहुत ही औसम है, बहुत ही कमाल के हैं। तो हमने शुरू किया खाना अपना या पीना, जो भी है, थुक्पा। इस सूप स्पून के साथ थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। पहले कुछ फ्लेवर्स ऐड किए जाएं। तो ये हमने डाली इसमें स्वीट चिली सॉस। अब इसे मिक्स कर खाकर देखते हैं टेस्ट में। जी हाँ, फ़र्क आया और अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। तो लता जी अपना खाएंगी वेजिटेरियन थुक्पा और हम खा रहे हैं अपना चाइनीज़ थुक्पा। अलग अलग सॉसेस के साथ ट्राई कर रहे हैं और उतना ही उम्दा होते जा रहा है, धीरे धीरे टेस्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुश्किल आ रही है। जी लीजिए, आई कुछ नूडल्स कब्जे में। तो लता जी का देखिए थुक्पा कितना हरा भरा, कितना सुंदर लग रहा है। और लता जी के साथ भी वही प्रॉब्लम है, भैया नूडल्स नहीं आ रही। चलिए सूप पीने से शुरुआत करते हैं। तो लीजिए सूप पिया, फिर एक और बार कोशिश करके देखते हैं, लेकिन ओहो ओहो ओहो, सक्सेसफुल, कुछ तो नूडल्स आई। लेकिन लता जी ने एक अच्छा आइडिया किया, ये देखिए, नूडल्स खाइए फोक के साथ, यानी कि हमारे प्यारे दोस्त कांटे के साथ, और सूप पीजिए सूप स्पून के साथ। तो हमें भी ये आइडिया बड़ा पसंद आया, हम क्यों पीछे रहें, ये किया चाइनीज सूप स्पून साइड में। और लीजिए हमारा मित्र, यानी कि हमारी हरी मिर्च विनेगर में स्विम करती हुई हमारे पास आ गई है।
इसे मिलाए बिना खाने का क्या मज़ा, फिर या वो चाइनीज़ हो या टिबेटियन हो या इंडियन हो, हरी मिर्च के बिना तो खाने का स्वाद नहीं आता हमें। तो लीजिए भाई, आप साइड में हो जाइए, अब हम कांटे का सहारा लेकर इस थुप्पे का आनंद लेते हैं। अब आ रहा है असली मज़ा, ये गई हरी मिर्च। और लीजिए, आप सोच रहे होंगे थुप्पा ही पीते रहेंगे, टिबेटियन फेवरेट डेलिकेसी कहाँ है? जी हाँ, मोमोज आज हमने मंगाए हैं, वेजिटेरियन मोमोज, अलग अलग सॉसेस से डिप किए, और जो मज़ा आया देख लीजिए आप। मोमोज तो यहाँ के बहुत ही ज़बरदस्त हैं, हम भी रिकमेंड करेंगे, लेकिन हम क्यों पीछे रहें, वेजिटेरियन हैं। लेकिन तो क्या हुआ, जिस स्वाद से लता जी खा रही थी हमसे रहा नहीं गया, तो हमने भी कहा हम भी ट्राई करेंगे, और सच में बहुत अच्छा किया, नहीं तो हम ज़रूर कुछ मिस कर जाते। अब हिंदुस्तानी खाना हो या टिबेटियन खाना हो, उंगलियों से चाटे बिना तो मज़ा नहीं आता। तो थुप्पे का और मोमोज का मज़ा लिया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा आनंद लिया जा रहा है। अब आएगा हमारा ओ लता जी, है और है आपके लिए, और है लीजिए, मेन कोर्स आ गया है। ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया क्योंकि मोमोज और थुप्पा खा लिए थे। आज हमने मंगाया रोस्ट पोक चिली और सेरेनिया टिबेटियन किचन का फेमस बैम्बू राइस। ये बैम्बू राइस जो है हमने वेज मंगाया ताकि लता जी भी खा सके। वैसे वो कह रही थी कि हमारा पेट भर चुका है, लेकिन हम जानते हैं जैसी फ्लेवर्स आएंगे वो पीछे नहीं रहेंगी। चलिए ट्राई करें यहाँ का रोस्ट पोक। आहा, बहुत ही टेंडर, बहुत ही कमाल का, बहुत ही फ्लेवरसम है। वैसे रोस्ट पोक हम सोचते थे कि गोवा हो या फिर हमने एक और जगह खाया था, दार्जिलिंग में, वहाँ का रोस्ट पोक कमाल का था, लेकिन सेरेनिया का रोस्ट पोक भी पीछे नहीं है। देखिए, हमने आपसे कहा था ना, लता जी पीछे नहीं हटेंगी। जैसी सुगंध नाक तक पहुंची, बैम्बू राइस प्लेट में पहुंचे। देखिए, हम जानते हैं अपनी धर्मपत्नी को बहुत अच्छी तरह, तो अब ये ट्राई करेंगी यहाँ के बैम्बू राइस, और जैसे हमने कहा था इन्हें बहुत अच्छे लगे। अब भूख गई साइड में और राइस गए पेट में। ये हाय हमारे अंकल हमेशा आकर हमसे बातचीत करते हैं, और उनसे बातचीत करके खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। कहते हैं किसी से लड़ाई मत करो, भाईचारे से रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, खाओ और खिलाते रहो। ये अंकल की खास बातचीत हमें बहुत पसंद है, इसलिए हमें उन बुला बुला कर हम उनसे बातें करते हैं। चलिए, तो ये था टिबेटियन खाना। अंकल की ब्लेसिंग्स और उनकी गुड विशेस के साथ हम चले। थैंक यू वेरी मच अंकल, बहुत मज़ा आया, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारे आज का स्वाद भरा सफ़र। अगली बार आपके साथ फिर मिलेंगे एक नई जगह पर, एक नए स्वाद के साथ। लेकिन यहाँ का स्वाद तो हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। देखिए, हमारे हाथ में कुछ पार्सल भी है। पेट भर गया लेकिन नियत नहीं भरी।